रेलवे स्टेशन में जनता का बोझ उठाने वालों को सरकारी नौकरी चाहिए। जी हां, कुछ यही मांग करते हुए झांसी के कुलियों ने हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशान यहां आने जाने वाले सैलानी दिखे। पिछले करीब एक दशक पहले भी रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों ने सरकारी नौकरी के साथ अपने लिए कुछ मांग की थी। कुलियों के आंदोलन में सरकार दबाव में आई और ग्रुप डी की नौकरी कुलियों को दी गई। इसके बाद एक बार फिर कुलियों ने उसी राग को अलापते हुए सरकारी नौकरी की मांग शुरू कर दी है। झांसी रेलवे स्टेशन पर भी कुलियों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां क्षेत्रीय लोग अपना सामान ढोते नजर आए, तो वहीं सबसे ज्यादा परेशानी यहां आने वाले सैलानियों को उठानी पड़ी। समस्या है, आज हम लोगों ने पूरी ऑल इंडिया लेवल पे हड़ताल करी है और हम लोगों की मांग ये है कि जो 2008 के तहत ग्रुप डी में रेल मंत्री जी, पूर्व रेल मंत्री जी ने कुलियों को ग्रुप डी में भर्ती किया गया था, जो कि योजना बंद कर दी गई थी, उसे हम दोबारा लागू करवाने के लिए आज हम लोगों ने ऑल इंडिया हड़ताल की है। क्योंकि कुलियों का अब स्तर तो खत्म हो चुका है, जगह जगह एस्केलेटर हो गए हैं, लिफ्ट हो गई है, व्हील चेयर ट्रॉलियाँ हो गई हैं, कुलियों का किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी कोई काम नहीं बचा है। बैठना इसलिए पड़ा क्योंकि ये समस्या हम कुलियों के सामने आ गई है कि हम क्या करें, क्योंकि आज ये स्थिति है हमारी, समझ लो ये पैसे हम लोगों को नहीं मिल रहा उतने, ना बोनी बट्टा हमारा हो रहा है। क्योंकि जब से ये स्थिति बनाई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये बात सोचना चाहिए कि कुली सिर्फ चलती फिरती पूछताछ बन गया। तो छोटी सी मांग है, बहुत छोटी सी इच्छा है, वो इच्छा ये है कि हम लोग ग्रुप बी में दर्जा दिया जाए। और ये नई चीज़ नहीं कर रहे, इस 2008 में भी इस तरह का काम हुआ है, तो हम लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों। हालांकि इस दौरान कुछ राजनीतिक लोग भी वहां पहुंच गए और कुलियों की मांग को जायज ठहराते हुए सरकार को कोसते हुए नजर आए। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए झांसी से मनीषा ली की रिपोर्ट।